हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप विद साकेत। मैं साकेत अस्त आपको आज मैं लेके चलूँगा वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस, दैट इज़ बोबीदा ढाबा। आज अचानक प्लान किया चलो घर से निकलते हैं, जाके कोई पार्टी शार्टी करना है। मैं घर से निकल चुका हूँ ऑलमोस्ट, तो घर से बाहर का ये नज़ारा है आपका, ये हिंजवरी साइड का ये आगे क्या दिख रहा है, वो एक जो एरिया दिख रहा है ना, वो है बेसिकली आपका एक्सप्रेसवे का साइड। लोधा का प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर इन महाराष्ट्र। तो हम ओल्ड हाईवे से जा रहे हैं अभी, मतलब अभी तक टच नहीं हुआ, पीछे का रोड से जा रहा हूँ। तो जाता रहता है आपको, ये एक जगह है ना, यहाँ पर आप लोग कभी भी आगे प्लान कर सकते हो कभी। ये राइट साइड में ना आपको शिरगांव साई बाबा बोलते हैं इसको, आपने सुना होगा शिरडी का साई बाबा। तो इसका ऑलमोस्ट रेप्लिका है यहाँ पर, ये देखो साइड से दिख गया आपका छोटा सा मंदिर। यहाँ पर आपको ये साइड में सारे पार्किंग है। यहाँ पर मंदिर आप देखोगे ना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा आपको, दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। बहुत लोग आते हैं, इसको क्रॉस करके हम लोग आगे हाईवे टच होंगे, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। मैं बेसिकली आज जा रहा हूँ बोबीदा ढाबा बोल के, ढाबा है जो लोग आप पुणे में रहते हो आपको पता है, ये टोनीदा ढाबा, बोबीदा ढाबा। ये टोनी से आगे है राइट साइड में, मेरे को क्या पता टोनी से भी ज़्यादा इसको ज़्यादा पसंद है। मैं कभी सुबह दोपहर को भी दिखाया हूँ, रात को लेट नाइट 2 बजे 3 बजे तक भी मिलता है यहाँ पर, ऑल टाइम मिल जाता है यहाँ पर खाना पीना दोनों, और खाना भी एकदम बढ़िया। जो लोग पंजाबी खाने का शौकीन हो ना, वहाँ पर आपको परफेक्ट पंजाबी खाना मिल जाएगा यहाँ पर। फिर से रोड पर थोड़ा ट्रैफिक क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रैफिक लगा हुआ है तो ना देखते हैं आगे क्या है। अरे तेरी बकरी लेके जा रहे सब, बकरी लोगों ने पूरा जैम लगा दिया रोड का, है ना। ये बंजारे लोग लेके जाते हैं सैकड़ों का बकरी एक साथ में, सच में कैसे लेके जाता समझ में नहीं आता। लेकिन इन लोगों, मैंने एक देखा, एक उसका ना एक कुत्ता रहता है, आप लोग नोटिस करके देखोगे, ये कुत्ता जो रहता है ना, ये घूम घूम के दोनों साइड में राउंड राउंड आपको ये पूरा लाइन को कंट्रोल करता है। सबसे पहले वो रहेगा, एक डॉग ट्रेन डॉग रहता है इन लोगों का। बाप रे देखो कितने सारे हैं, क्रॉस कर लेंगे। मैं वही सोच रहा था क्या हुआ अचानक रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम। ये अब जो मैं आज जा रहा हूँ ना, ये ऑलमोस्ट इंजीवरी वाकर सब कर लोगे तो ऑलमोस्ट पहुँचेगा। वाकर से कितना था, 25-30 किलोमीटर का रेंज में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब जाते वक्त लेफ्ट साइड में भी एक बोबीदा ढाबा मिलेगा, लेकिन मेरे को, मैं जो प्रेफर करता हूँ दैट इज़ राइट वन, वही मतलब सबसे पुराना है और ओरिजिनल वही बोल सकता हूँ। ये भी हो सकता है ओरिजिनल है, लेकिन मेरे को वही पसंद है राइट वाला। ये देखो राइट में मेरे को अपना डेस्टिनेशन दिख गया, बोबीदा ढाबा। महीने में 3-4 बार तो आता ही रहता हूँ इसमें, जब भी मैं मुंबई जाता हूँ आने का टाइम में यहाँ पर मैं इवनिंग या डिनर, रात हो गया तो डिनर करके या इवनिंग स्नैक्स कुछ तो लेता हूँ। आज ऑलमोस्ट धूप है, अभी शाम तक ही पहुँचा हूँ इधर, तो ऑलमोस्ट हम लोग यू टर्न मार के आ गए। इनका देखो पार्किंग कितना भरा है, कितना ऑलमोस्ट 200-300 ट्रक खड़े हो सकते हैं पर, कितना पार्किंग है, जगह है। चलते हैं थोड़ा सा, ये बोबीदा ढाबा इसका लाइन लिखा रहता है खान पीन दा अपना अड्डा, मस्त है एकदम। देखो अब देखो पार्किंग का कोई इशू नहीं है, पार्किंग करो अंदर, खाना पीना बहुत ही बढ़िया है अंदर। ये देखो मेरा खाना आ गया, ये वन ऑफ द फेवरेट टीम मसूर फ्राई, पनीर पकौड़ा, सैलड। ये मेरा भाई वाइन लिया है, और मैं तो अपना फेवरेट बियर उधर लगा हुआ है। देखो थोड़ा सा सैलड मंगाया था बस, अभी थोड़ा देर में आगे थोड़ा मेन कोर्स मंगाएंगे, हो गया पार्टी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़, तभी आगे और बन